हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि सिंघम अगेन की रिलीज डेट हटने वाली है और 15 अगस्त को रिलीज होने वाली ये फिल्म अब दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। जी हाँ, आपको जानकर खुशी होगी कि अब सिंघम अगेन पुष्पा 2 के साथ क्लैश नहीं होगी। पिछले कई दिनों से सिंघम अगेन और पुष्पा 2 का क्लैश सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन अब खबरों की माने तो सिंघम अगेन पुष्पा 2 से क्लैश नहीं होगी, क्योंकि अब सिंघम अगेन के मेकर्स अपनी इस फिल्म को दिवाली के मौके पर रिलीज करेंगे। वैसे दिवाली के मौके पर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 आ रही है, तो अब सिंघम अगेन भूल भुलैया 3 के साथ क्लैश होगी। देखो, सिंघम अगेन के मेकर्स अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें पुष्पा 2 से काफ़ी नुकसान होगा। वहीं बात करें भूल भुलैया 3 की, तो अजय देवगन कार्तिक आर्यन से बड़े एक्टर हैं, वहीं सिंघम अगेन भी भूल भुलैया 3 से बड़ी फिल्म है, तो जाहिर सी बात है कि ओपनिंग डे में सिंघम अगेन भूल भुलैया 3 से ज़्यादा कमाई करेगी। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में एक नए पोस्टर के साथ सिंघम अगेन की नई रिलीज डेट अनाउंस होगी। तो क्या कहना चाहेंगे आप सिंघम अगेन के बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। रणवीर सिंह का टाइम काफ़ी ख़राब चल रहा है, क्योंकि खबरों की माने तो रणवीर सिंह की एक और फिल्म को कुछ महीने के लिए रोक दिया गया है। अभी कुछ दिनों पहले डायरेक्टर आदित्य धर ने रणवीर सिंह को एक बड़ी फिल्म ऑफर की थी, जो रणवीर सिंह को काफ़ी पसंद आई थी, और कहा जा रहा था कि इस फिल्म की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी। डायरेक्टर आदित्य धर इस फिल्म को काफ़ी बड़े लेवल पर शूट करना चाहते थे, लेकिन बढ़ते बजट की वजह से अभी इस फिल्म को रोक दिया गया है। और अब कहा जा रहा है कि डायरेक्टर आदित्य धर दोबारा से फिल्म की कहानी पर काम करेंगे और इसके बजट को कम करेंगे, तो अभी फिल्म की शूटिंग 3 से 4 महीने के बाद स्टार्ट होगी। देखना होगा कि फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है या फिर ये फिल्म भी रणवीर सिंह की पिछली फिल्मों की तरह बंद हो जाएगी। जो भी है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको फिल्मी टॉक्स में बताते रहेंगे। सूर्या की आने वाली फिल्म कंगवा का एक नया पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसमें सूर्या के एक और लुक को रिवील किया गया है। यहाँ इस पोस्टर में हम सूर्या को 2 अलग अलग लुक में देख सकते हैं। ये वाला लुक तो हमने पहले ही देखा है, लेकिन बात करें इस लुक की, तो यहाँ पर सूर्या एक गैंगस्टर के रोल में काफ़ी ढांसू लुक में नजर आ रहे हैं। और सच कहूँ तो सूर्या का ये वाला लुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। कंगवा फिल्म में सूर्या टोटल 6 लुक में नजर आएंगे, जिसमें से 3 लुक आ गए हैं, और देखते हैं कि बाकी के 3 लुक कैसे होते हैं। कंगवा एक फैंटेसी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे शिवा ने डायरेक्ट किया है। रिलीज डेट अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये फिल्म भी इसी साल ही रिलीज होगी। जिगर थांडा XX की सफलता के बाद कल राघवा लॉरेंस की 2 नई फिल्म अनाउंस की गई है। पहली फिल्म का नाम है बैन, जिसकी कहानी को लोकेश कनगराज लिखेंगे और इस फिल्म को बकिया राजकनन डायरेक्ट करेंगे। दूसरी फिल्म का नाम है हंटर, जिसे वेंकट मोहन डायरेक्ट करेंगे, और ये राघवा लॉरेंस के करियर की सबसे महंगी फिल्म होगी। हंटर फिल्म के लिए बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर और एक्ट्रेस से बात हो रही है, जो इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस और मैड विलन के रोल में नजर आएंगे। जी हाँ, हंटर फिल्म में बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर को विलन के रोल के लिए साइन किया जाएगा। देखना होगा कि राघव लॉरेंस के सामने किस बॉलीवुड एक्टर को साइन किया जाता है। हंटर फिल्म की शूटिंग जून के महीने से स्टार्ट होगी और ये फिल्म समर 2025 में रिलीज होगी। अगर आप भी पीसमेकर सीजन 2 का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको जानकर खुशी होगी कि पीसमेकर सीजन 2 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। पीसमेकर का पहला सीजन 2022 में रिलीज हुआ था, जिसे काफ़ी पसंद किया गया था, और तभी से लोग इसके दूसरे सीजन का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो पीसमेकर के क्रिएटर जेम्स गन ने एक फोटो शेयर किया है, जिसमें वो पीसमेकर के हेलमेट में फोटो खींच रहे हैं। तो सीजन 2 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है और ये सीरीज हमें 2025 एंड या फिर 2026 में देखने को मिलेगी। राजकुमार राव की आने वाली फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की रिलीज डेट चेंज हो गई है। मिस्टर एंड मिसेज माही एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसे सरन शर्मा ने डायरेक्ट किया है। ऑफिशियल नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म की कहानी महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। जहां राजकुमार राव इस फिल्म में महेंद्र सिंह धोनी के रोल में नजर आएंगे, वहीं जाह्नवी कपूर साक्षी सिंह के रोल में नजर आएंगे। क्या होगी फिल्म की कहानी, तो वो हमें टीजर ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट हो गई है और कहा गया है कि ये फिल्म 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब सोचने वाली बात यह है कि 10 मई को श्रीकांत फिल्म रिलीज होगी और 31 मई को मिस्टर एंड मिसेज माही। तो देखना होगा कि राजकुमार राव की ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती हैं। देव पटेल की एक्शन थ्रिलर फिल्म मंकी मैन की डिजिटल रिलीज डेट कन्फर्म हो गई है। मंकी मैन अभी मार्च के महीने में रिलीज हुई थी, जिसे IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है। हिंदी डब से जुड़ी अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन ये फिल्म 23 अप्रैल को प्राइम वीडियो पर आने वाली है। हिंदी डब से जुड़ी जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको फिल्मी टॉक्स में बताते रहेंगे। और ड्यून पार्ट 2 को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया है। ड्यून पार्ट 2 को काफ़ी पसंद किया गया था, जिसे अभी IMDb पर 8.8 की रेटिंग मिली है।
तो अभी आप इस फिल्म को हिंदी डब में प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। और अगर देख लिया है तो ड्यून पार्ट 2 आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।